हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं ब्राउन राइस की इडली और ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है, साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा टेस्टी। इसके साथ हम चटनी और सांभर भी बनाने वाले हैं। और ये ब्राउन राइस जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जैसे कि ज़्यादातर लोग वाइट राइस की इडली खाना पसंद करते हैं, बट ब्राउन राइस की इडली भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो उसके लिए मैंने लिया है 2 कटोरी ब्राउन राइस और 1 कटोरी उलद की दाल के साथ ही साथ मैंने 1 चम्मच लिया है मेथी दाना। इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। राइस और दाल में जो भी कुछ लगा हुआ होगा जैसे कि डस्ट वगैरह, तो वो निकल जाएंगे, इसलिए हमें 2-3 बार अच्छे से धो लेना है। तो मैंने 2 बार इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और ये जो खराब पानी है इसको फेंक देंगे। अभी मैंने 3rd टाइम जो पानी डाला है इसमें हम सोक करने के लिए रख देंगे। तो 4 घंटे के लिए मैंने सोक किया था और ये जैसे कि राइस टूट रहा है, मतलब ये अच्छे से सोक हो चुके हैं। जब राइस अच्छे से भीग जाएंगे तो हमें इसे पीस लेना है। तो मैंने मिक्सी जार में दाल और राइस डाल दिया है और साथ ही साथ जिसमें हमने सोक किया था वो पानी इसमें 1 चम्मच डाल के फिर मैंने एकदम बारीक सा ऐसे पीस लिया है। बिल्कुल भी दरा दरा नहीं होना चाहिए, पूरे तरह से एकदम स्मूथ बैटर होना चाहिए। तो इसको मैं कंटेनर में निकाल रही हूँ। और अभी मैंने लिए है 4 चम्मच पोहा, ये जो हम पोहा बनाते हैं ना, मोटा वाला पोहा ये है। तो पोहे को मैंने धो लिया है और अभी मैं दाल और राइस के साथ इसे भी पीस लूँगी। तो ये बैटर भी हम उसी सेम कंटेनर में डाल देंगे। जब तक हमारा बैटर अच्छे से फूलेगा नहीं तब तक इडली भी नहीं फूलेगी अच्छे से और सॉफ्ट नहीं बनेगी। तो इसके लिए मैं हमेशा हाथ से फेंटती हूँ। जब हम हाथ से फेंटते हैं ना फ्रेंड्स, तो दूसरे दिन ये जल्दी ही खट्टा हो जाता है और हमारा बैटर जल्द ही फूल जाता है। तो आप देख रहे होंगे दूसरे दिन मैंने जब देखा तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्लफी हो गया है, बैटर ऊपर तक आ गया है। तो इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक और 1/4 टीस्पून सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है वो इसमें डाल दिया है। अब इसको अच्छे से फेंट लेना है और अब हमारा इडली का बैटर रेडी है। कंसिस्टेंसी ऐसी ही चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं चाहिए। तो अभी मैंने इडली के सांचे को लगाया है ऑयल और इसमें मैं अभी बैटर डाल रही हूँ। अब हम इसे स्टीम करने के लिए रख देंगे। जब अच्छे से इडली फूल जाएगी तो ठंडा होने के बाद इसको छुरी से निकालना है, मतलब वो प्रॉपर इडली निकल आएगी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इडली, देखो कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है, मतलब ऐसे लग ही नहीं रहा है कि ये ब्राउन राइस से बनी हुई है। देखने में भी ज़्यादा ऐसे ब्राउन नहीं लग रही है, वाइट जैसे ही दिख रही है, क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा पोहा भी डाला था, उलद की दाल थी, इसलिए ज़्यादा वो ब्राउन नहीं दिखती। और देखो कितना ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है और खाते वक्त भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है। तो अब हम बनाने वाले हैं सांभर। इसके लिए मैंने ली है हरी मिर्च 2 से 3, कड़ी लीफ 7 से 8, इमली ली है, उसके बाद 1 चम्मच गुड़, मूँगफली ली है 1/2 कटोरी, लौकी काट के ली है, उसके बाद प्याज लिया है 1 बारीक कटा हुआ और 6 से 7 लहसुन की कलियाँ। सांभर बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कटोरी तुअर दाल, इसे मैंने 5 सीटी होने तक कुकर में पकाया है। तो अब हम इसका तड़का बनाएंगे। तो तड़का बनाने के लिए मैंने लिया है 2 चम्मच ऑयल, उसमें राइस डाला, जीरा डाला, कुछ कड़ी लीव्स डाल दिए हैं, उसके बाद मैंने चॉप किए हुए लहसुन डाल दिए। इसको अच्छे से पहले पकने देना है क्योंकि लहसुन कच्चा नहीं होना चाहिए। उसके बाद प्याज डाल दिए है, 1 प्याज जो मैंने बारीक कटा हुआ था उसे डाल दिया है। अब इसको अच्छे से पकने देना है। प्याज सुनहरा होने के बाद इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, उसके बाद 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें अब मैं डालूँगी लौकी, और लौकी डालने के बाद इसमें जो मूंगफली थी उसको भी डाल के अच्छे से पकने देना है।
तो इसे पकने के लिए मैं अभी थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूंगी। तो अब हम देखते हैं कि लौकी पक्की होगी तो इसमें हम दाल ऐड कर देंगे। तो हमारी लौकी आधी पकी हुई है तो अब हम इसी स्टेज पे दाल इसमें डाल देंगे। तो ये दाल गाढ़ी है इसलिए हमें इसमें और थोड़ा पानी ऐड करना है। तो इसको अब हम अच्छे से मिक्स करके फिर इसमें इमली डाल रही हूँ और एक चम्मच गुड़ डाल रही हूँ। इसे हम पकने के लिए थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। अब हम बनाते हैं चना दाल की चटनी। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है एक कटोरी भीगी हुई चना दाल, 5-6 लहसुन की कलियां, 2 हरी मिर्च, आधा कटोरी दही, हरा धनिया लिया है, उसके बाद मैंने आधा चम्मच मीट डाल के इस सबको अच्छे से पीस लेना है मिक्सी में। तो ऐसे ही स्मूथ सा बैटर चाहिए, इसमें दरदरापन नहीं चाहिए, एकदम चिकना होना चाहिए। तो इसे मैं अभी बाउल में निकाल रही हूँ। तो अब हम तड़का बनाएंगे। तो तड़का बनाने के लिए मैंने लिया 2-3 चम्मच ऑयल, उसमें आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा, कटा हुआ लहसुन लिया है 4-5, चना दाल आधा चम्मच, आधा चम्मच उलद की दाल, करी पत्ता 4-5, काजू के टुकड़े लिए हैं 1 चम्मच, सूखी मिर्च 2, हरी मिर्च 1, इन सबको पकने दे। अब चटनी के ऊपर इस तड़के को डाल देना है और हमारी ये चटनी भी रेडी है। तो अब हमारी सांभर भी अच्छे से पक रही है तो इसी स्टेज पे हम डालेंगे सांभर मसाला। और देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी हमारी इडली बनके रेडी है, काफ़ी सॉफ्ट इडली बनी हुई है। इडली जब सॉफ्ट बनती है तभी खाने में मज़ा आता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा, और फर्स्ट टाइम इस चैनल पे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलो।